एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा यार, mindlab.hifawcett.com वेबसाइट पर आप लोग डिपॉज़िट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉज़िट करने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। अकाउंट बनाने की मैंने वीडियो बना दी है, और उसके बाद वर्क किस तरह से करना है वो भी मैंने वीडियो बना दी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर डिपॉज़िट किस तरह से करना है उसके बारे में बात कर रहे थे। मैं डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थ्री लाइन्स पर जाता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को देखो वॉलेट की ऑप्शन है, विड्रा की ऑप्शन है, लेकिन डिपॉज़िट की ऑप्शन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और डिपॉज़िट यहाँ पर किस तरह से करना है देखें। माइनिंग पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड, उसके बाद दूसरी जो ऑप्शन है वो है माइनिंग की। माइनिंग पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आ गए, एक माइनिंग ट्रिक्स, ठीक है, दूसरा स्टार्ट माइनिंग, सॉरी नंबर वन पर स्टार्ट माइनिंग है, दूसरा माइनिंग ट्रैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनिंग ट्रैक है, ये चीज़ वो है कि जो आप लोगों ने प्लान वगैरह बाय किए हैं वो यहाँ पर ट्रैक होंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट माइनिंग, जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने जो भी इन लोगों ने प्लान एक्टिवेट किया हो वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी प्लान यहाँ पर बाय करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फर्स्ट पे है $2 वाला, ठीक है, दूसरा $10 वाला, $30 वाला, 50, मतलब जो भी आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट डिपॉजिट की ऑप्शन नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर प्लान जो है वो एक्टिव करना पड़ेगा पहले, ठीक है। बाय नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट सिस्टम जो है फिलहाल देखें, यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्रॉम बैलेंस, दूसरा है डायरेक्ट पेमेंट। जाहिर सी बात है, आप लोगों का नया अकाउंट होगा, आप लोगों ने डिपॉजिट नहीं किया होगा, तो आपको फ्रॉम बैलेंस पर मतलब आपके 0-0 बैलेंस होगा, आप यहां से डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी यहां पर से प्लान बाय नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट पर हम जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, आप मिनिमम $10 या $20 यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर लें, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अगर कोई भी प्लान यहाँ पर बाय करना चाहें तो आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं, यानी कि डिपॉजिट किए बिना। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ आएगा मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो USD में डिपॉजिट करना है, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, आप कहीं से भी हो ना, तो फीस बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं इसलिए ये चीज़ मैं बोल रहा था कि आप लोग डिपॉजिट करना चाहें इस वेबसाइट पर तो एक साथ ही ज़्यादा डिपॉजिट कर लें, ठीक है, ताकि आपकी जो फीस है वो कम लगे। तो ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट को सिलेक्ट करके बाय नाउ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड है, प्लान टाइटल है ये, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट वन, सिलेक्ट गेटवे, यानी कि किस तरह से आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल एक ही ऑप्शन ओपन है, जो BTC एड्रेस वाली, ठीक है, यानी कि BTC बिटकॉइन में आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये आप लोगों के सामने डिटेल आ गई है, ठीक है। जो मिनिमम डिपॉजिट है वो $2 है, और उसके बाद मैक्सिमम $150 है, ठीक है। तो और अगर आप लोग $2 यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसकी जो फीस चार्ज हो रही है वो है 0.14, ठीक है। तो ये इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। यार गाइस, ये इनकी जो फीस वगैरह वो तो लगती है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप लोग डिपॉजिट करना चाहें तो आप लोग डायरेक्ट कोई 50 या $40 या ज़्यादा डॉलर इन्वेस्टमेंट कर लें यहाँ पर तो वो बेहतर रहेगा, ताकि आपके जो फीस वगैरह वो उससे बच जाएँ, ठीक है, एक्स्ट्रा फीस से। तो खैर, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा आप लोगों के पास पेमेंट वी BTS एड्रेस, यू हैव रिक्वेस्टेड 2 USD, ठीक है, प्लीज़ पे 2.14 USD फॉर सक्सेसफुल पेमेंट। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि आप लोगों को $2 आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन आप लोगों को पे करना पड़ेगा 2.14 जो डॉलर है वो, यानी कि एक्स्ट्रा फीस जो है इनकी वो लगती है। ये उम्मीद है नेक्स्ट जो होगा आगे ये हो सकता है ये जो फीस है ये ख़त्म ही हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये फ़ीस है इनकी, क्योंकि आप लोगों को प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ कॉपी BTC डिपॉजिट एड्रेस। तो ये इन लोगों ने ब्लू कलर में है, ठीक है, ये BTC एड्रेस है, ठीक है ना। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ठीक है। तो ये जो BTC एड्रेस है ना, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बाइनेंस है, वहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बाइनेंस पर जाएं, इस BTC एड्रेस को वहाँ पर पेस्ट करें, और इस पर जो है जितनी ये आप लोगों ने 2.14 USD आप पेमेंट करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, ये इन पर को सेंड कर दें, और जो आपका सेंड किया है उसकी ट्रांजेक्शन की स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है।
अगर मैं बाइनेंस यूज़ नहीं करता, मैं फॉसेट पे यूज़ करता हूँ। उसके बाद कोइन बेस है, ट्रस्ट वॉलेट है, मतलब ऐसे काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज वॉलेट हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जो आप लोग यूज़ करते हैं, जिसका आपको पता है वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप लोगों को इनके बारे में नहीं पता बाइनेंस क्या है, ट्रस्ट वॉलेट क्या है, तो आप लोग क्या करें, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें, आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स की वीडियोस इनकी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर ना भी मिले तो आप कमेंट्स करते हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में भी एक कंप्लीट ब्रीफ वीडियो जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो खैर मैं अपने फॉसेट पे जाता हूँ, ठीक है। फॉसेट पे मैं आगे यहाँ पर देखें, यहाँ पर है एक तो डिपॉजिट के ऑप्शन है, उसके बाद विड्रॉ के ऑप्शन है, ठीक है। विड्रॉ पर मैं जब क्लिक करूँगा ना, तो डिपॉजिट नहीं करना आपने, विड्रॉ पर क्लिक करना। ये एक फॉसेट पे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं अपना जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूँगा, और जो मिनिमम BTC मेरा बनता है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इनको सेंड कर दूँगा, ठीक है। मैं पहले गूगल पर जाऊँगा, ये जिस तरह से मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं पहले चेक कर लूँगा कि $2 कितने का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक ये देखें 14 था ना, तो ये देखें 10 हो गया, एक के ओके टू, चलें मैं 15 ही सेंड कर दूँगा ना, तो ठीक रह जाएगा ना काम, तो ये तो नहीं होगा ना कि कम हो गया, ठीक है। तो मैं ये 15 ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, इतना बन रहा है, ठीक है। USD में BTC मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा अमाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने जो मुझे सेंड करनी थी वही मैंने सेलेक्ट की, लेकिन यहाँ पर ये लोग भी फीस यहाँ पर कट करें, इनकी फिक्स जो फीस है वो ये है, देखें ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो वीडियो पूरा देखना, अगर कहीं से समझ ना आए तो वो भी मुझे बता देना, मैं अगेन आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें ये इनकी फ़ीस है, 0.79 USD। ये चाहे आप $1,000 सेंड कर दें, चाहे आप $50 सेंड कर दें, जितना मर्ज़ी डिपॉजिट कर दें, इन लोगों की ये फ़ीस फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर बाइनेंस में जाएंगे तो उसमें वो कमीशन परसेंटेज पर फिक्स का जो है वो फ़ीस कट करते हैं। फर्ज करें अगर आप $10 सेंड करें तो वो $2 तो लाजमी कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को उधर समझा रहा था कि अगर आप लोगों ने डिपॉजिट करना तो एक साथ ज़्यादा जो है डिपॉजिट कर लें, ताकि आपकी जो पेमेंट है, जो आपका फ़ीस है, उससे आप बच सकें। तो ये इतनी इनकी जो फ़ीस है वो बन रही है, लेकिन हमने कितना सेंड करना था, 0.79 जो इनकी फ़ीस है वो बन गई, ठीक है, 0.79 जो। तो आप इसका कैलकुलेट करके जितना बनता है, ठीक है, उस हिसाब से सेंड कर देना, ठीक है ना। तो ये सेंड करेंगे, उसके बाद इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेनी है, और यहाँ पर वो यहाँ पर इस तरह से इसको सेलेक्ट करके जो अपलोड करके और इसको पे नाउ पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो डिपॉजिट है वो हो जाएगा इजीली। तो यार वीडियो काफ़ी लंबी मैंने इसलिए ही बनाई है, ये 8-10 मिनट की वीडियो जो बनी है, 7-8 मिनट की, ये इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इस तरह से डिपॉजिट होगा इसमें, ठीक है। आप लोग जो ये एड्रेस है ये आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बाइनेंस में यूज़ कर लें, कोइन बेस है, ट्रस्ट वॉलेट है, मतलब कहीं भी जहाँ पे आप लोगों को पता है कि यार यहाँ पर BTC एड्रेस यूज़ होता है, यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग ये यूज़ कर लें। और कोशिश करें कि आप लोग जो डिपॉज़िट है ज़्यादा से ज़्यादा एक भी बार में डिपॉज़िट कर लें, ताकि आप लोगों का जो फीस है उससे आप बच सकें। मैंने ये चीज़ बार बार मैं आपको बताई है ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, आप अगर आप लोग इंटरनेट पर जाकर देखेंगे BTC एड्रेस या USD में इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो इतनी ही फ़ीस होती है, ठीक है। ये जो फॉसेट पे है ये फिर भी कम फीस दे रहा है, लेकिन लेता है, लेकिन बाकी जो हैं वो ज़्यादा फीस लेते हैं। तो आप लोग देख लें आप लोगों ने कहाँ से डिपॉजिट करना है। तो ये इस चीज़ की तो फिलहाल मैं गारंटी देता हूँ कि ये वेबसाइट परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा पैसा देगी आप लोगों को। मैंने खुद ने इसमें $200 तकरीबन इन्वेस्टमेंट की हुई है, और मुझे डेली का $5-10 जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।